अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सुहेला। आप देख रहे हैं सुहेला की रसोई। आज हम बनाएंगे भुना मटर गोश्त सूखा। आइए स्टार्ट करते हैं। एक पैन ले लेंगे, 2 टेबल स्पून ऑयल, 200 ml, एक प्याज बारीक चॉप कर ऐड कर देंगे, 1 स्पून ज़ीरा गोल्डन ब्राउन कर लेंगे, और यह है 1/2 kg गोश्त 500 ग्राम, ये ऐड कर देंगे। गोश्त को भून लेंगे। ये है 2 प्याज, 3 टमाटर, 5 हरी मिर्च, 2 इंच अदरक का टुकड़ा, ये ऐड कर देंगे और पीस लेंगे। इसकी पेस्ट बना लेंगे थोड़ा सा पानी ऐड करके। पेस्ट हमारा तैयार है। गोश्त कलर चेंज हो गया भुनाई करके 10 मिनट। कुछ मसाले गिरेंगे इसमें पिसे हुए, 1 स्पून धनिया, 1 स्पून पीसी लाल मिर्च पाउडर, 1/2 स्पून हल्दी पाउडर, 1 स्पून सॉल्ट, ये ऐड कर देंगे। नमक स्वाद अनुसार रखेंगे। भुनाई कर लेंगे 10 से 15 मिनट तक। जितनी अच्छी भुनाई होगी उतना टेस्टी भुना गोश्त बनेगा। ये पेस्ट ऐड कर देंगे प्याज टमाटर हरी मिर्च का, मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे इसमें, पानी कम लग रहा है गोश्त टेंडर करने के लिए। मिक्स कर लेंगे अच्छे से। 1 स्पून इसमें जिंजर गार्लिक, 1 स्पून इसमें गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे, 1 से 1.5 स्पून तक। गोश्त हमारा गल गया है, 20 से 25 मिनट लगे हैं पकने में। भुनाई कर लेंगे 10-12 मिनट खोल के। गोश्त भुन गया है, तैयार हो गया है। अब इसमें ऐड करेंगे 1/2 kg मटर, फ्रेश मटर है ये भी ऐड कर देंगे। 2 बड़े आलू बड़े साइज़ के छोटे टुकड़ों में काट लेंगे चकोर शेप में, ये भी ऐड करेंगे। भुनाई कर लेंगे थोड़ी सी, पानी इतना डाल लेंगे इसमें, ग्रेवी थोड़ा बन जाए और आलू सॉफ्ट हो जाए। आलू मटर ज़्यादा पानी ऐड नहीं करेंगे। ये 1 स्पून होममेड गरम मसाला है, मुट्ठी भर हरा धनिया, 2 हरी मिर्च और 2 इंच अदरक का टुकड़ा चॉप करके ये ऐड कर दिया। मिक्स कर लेंगे और 5 मिनट सिम पे रख देंगे ऑयल सेपरेट होने तक। मटर कीमा मटर गोश्त हमारा तैयार है, भुना मटर गोश्त आलू। वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। दुआ में याद।